जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लेप पर। जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 20 सितंबर 2019 शुक्रवार का। और दोस्तों बात करें अगर मौसम समाचारों की, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से देश भर के 12 राज्यों में भारी से भारी बारिश की कड़ी चेतावनी का हाई अलर्ट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, पूरे वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना। यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से टुडे वेदर न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, इंडिया न्यूज को लेकर 5 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करते हुए जानेंगे पूरे देश भर के मौसम समाचारों का ताजा अपडेट मात्र 5 मिनट के इस वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट पूरा जरूर बने रहिएगा। अच्छा शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं, अगर आप अपने चैनल न्यूज लेप पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे दिया गया छोटा सा लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है दोस्तों, उसे दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पास में मिल जाएगा एक घंटे वाला आइकन है, उसे भी जरूर जरूर दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आप और हम सभी आपस में जुड़े रहे और एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर किया जा सके। अच्छा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बड़ी खबर निकल कर आ रही है मौसम का हाल, वेदर अपडेट्स, लाइव अपडेट्स को लेकर कि मुंबई चेन्नई में रेड अलर्ट के बीच देश के 12 राज्यों में भारी बारिश की कड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ एक और बड़ी खबर है वेदर अपडेट्स को लेकर। आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि बदलते मौसम ने दी उमस भरी गर्मी से राहत, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अच्छा जानते हैं बड़ी खबर है, तो आपको बता दें दोस्तों देश भर में मानसून अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। बावजूद इसके कई राज्य ऐसे है जहां पर अब भी इसका जोरदार असर देखने को मिल रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से निम्न दबाव के चलते देश के 15 राज्य अब भी बहुत ही ज्यादा मानसून के व्यापक असर से जूझ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट माने तो अगले 4 दिन तक देश के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। वैसे आप कौन से गांव सर या राज्य में रहते हैं हमें जरूर बताइए, ताकि अगले वीडियो में आपके गांव सर या राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस जो भी निकल कर आती है, सबसे पहले उसे आप तक अपडेट किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश भर के संपूर्ण भारत के मौसम समाचारों का हाल जानने वाले हैं। उसके बाद अगले 24 घंटे और अगले 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, तो उसके बारे में अपडेट जानेंगे। अच्छा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज शुक्रवार को एक बार फिर से भारी बारिश हो सकती है, और इसी बीच मौसम विभाग ने इस संबंध में रेड अलर्ट जारी करते हुए कड़ी चेतावनी बताई है। मौसम विभाग ने मुंबई और उससे सटे रायगढ़ जिले में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इसी के साथ मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक देश के एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में मध्य से लेकर भारी बारिश के आसार है। आपको बता दें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार में जहां जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है, वहीं केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और झारखंड में मध्यम से लेकर तेज बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई और रायगढ़ जिलों में बारिश का अलर्ट बहुत ही खतरनाक स्टेज पर जारी किया है। उन्होंने बताया कि मुंबई में आज शुक्रवार सुबह से ही 24 घंटे में लगभग 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड पूर्वानुमान के रूप में दर्ज जताया है। इसी बीच आपको बता दें कि उमस भरी गर्मी से राहत झेल रहे NCR के साथ उत्तरी राज्यों के लोगों को अचानक राहत मिली है, जबकि मानसून के आखिरी चरण में सक्रिय रहने से मौसम ने करवट ले ली है, जिससे कि यहां का उच्चतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच चुका है। आपको बता दें इस मानसून सीजन में आमतौर पर सबसे ज्यादा बारिश झेलने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार सूखे की भेंट चढ़ रहा था, लेकिन लौटने से पहले पिछले 4 दिनों में वहां के मानसून में जबरदस्त बारिश हो रही है और कई जिलों में नदियों में बाढ़ भी आ चुकी है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी से मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। अच्छा दोस्तों, आपके गाँव शहर में आज बारिश हुई है नहीं, अगर हुई है तो कितनी मात्रा में हुई है हमें जरूर बताइए, ताकि दूसरे लोग भी जान सके कि दोस्तों आपके एरिया में मौसम का हाल क्या है और मानसून कैसा बना हुआ है। आपको बता दें भारतीय मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेगी, जिनकी जो स्पीड है वो लगभग 50 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। तो इसी को लेकर प्रशासन ने अलर्ट किया है, सावधान किया है। आपको बता दें हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान औसत से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे जा सकता है, जबकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकतम तापमान में कमी आने से मौसम में ठंड महसूस हो सकती है। दूसरी ओर न्यूनतम तापमान में भी कई जगहों पर 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी आ सकती है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज 20 सितंबर यानी कि शुक्रवार से लेकर 24 सितंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार में भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं, जबकि यह राज्य अब तक मानसून के बेरुखी के शिकार होने की वजह से सूखे के चपेट में थे, लेकिन यहां के लोगों को अब उमस भरी गर्मी से निजात मिल सकती है। वहीं समूचे देश में मानसून का जबरदस्त बरसात ने मौसम के समय में पहले से ठंड ला दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 और 26 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र कई और राज्यों में भारी बारिश ला सकता है। वहीं उत्तरी हिमालय राज्य और हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड में जबरदस्त बरसात की संभावना एक बार फिर से बताई जा रही है। वहीं दोस्तों रेन अलर्ट को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से 13 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में आज शुक्रवार को भी बादल छाए रहेंगे, जबकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के 13 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में बीते एक सप्ताह से मौसम के मिजाज बदले हुए हैं, जबकि आसमान में बादलों का डेरा बना हुआ है। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश ने कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर
कर दी है। अच्छा, मौसम समाचारों के अपडेट की अगर बात करें तो दोस्तों संक्षेप में, संपूर्ण भारत में आज 20 सितंबर को उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, अंडमान और निकोबार के साथ सौराष्ट्र, कच्छ और कर्नाटक में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं, जबकि दोस्तों 21 सितंबर को उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार में बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों 22 सितंबर के पूर्वानुमान की अगर बात की जाए रविवार की, तो पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र के साथ केरल में एक बार फिर से भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। जबकि दोस्तों 23 सितंबर को गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में अच्छी से अच्छी बारिश हो सकती है। अच्छा, संक्षेप में अगर अगले 24 घंटों के मौसम समाचारों का ताजा अपडेट की पूर्वानुमान के बारे में अगर बात की जाए, तो यहां पर दोस्तों 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी के साथ दक्षिण गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी एक दो स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग की जानकारी देने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक उम्मीद बताई जा रही है कि कोंकण और गोवा के साथ मध्य महाराष्ट्र में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद बनी रहेगी। वहीं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हिस्सों में भी मध्यम से लेकर अच्छी बारिश जारी रह सकती है। अच्छा, कच्छ और दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा आगे भी शुष्क ही बना रहेगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज 20 सितंबर 2019 शुक्रवार के साथ अगले 24 घंटे और 48 घंटों के मौसम समाचारों के ताजा अपडेट बुलेटिन को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई और काम की ताजा तरीन बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज़ लिप पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।